तुसी अक्सर आसमान च हेलीकॉप्टर उड़दा ता जरूर वेख्या होवेगा, पर कदे छत ते खड़ा असली हेलीकॉप्टर वेख्या ता थोड़ा जवाब सानू पता है। पर कहंदे ने ना पंजाबियां दे शौक वखरे ते बठिंडा वासी लवप्रीत ने भी कुछ हट के वखरा ही कर विखाया, जिसने हवाई फौज दे कबाड़ नू जुगाड़ लगा के रोजगार बना लिया। जी हाँ, लवप्रीत ने हवाई फौज दे हेलीकॉप्टर नू अपने घर दी छत ते ना सिर्फ खड़ा कीता सगो उसनू रेस्टोरेंट दी शक्ल भी दे दित्ती, जो कि अपने आप दे विच ही किसी अजूबे तो घट नहीं। लवप्रीत दे इस हेलीकॉप्टर वाले रेस्टोरेंट दे पूरे इलाके दे विच खूब चर्चे ने, क्योंकि उस वल्लों गाका नू एक वखरा तजर्बा देण लई अपने रेस्टोरेंट दे विच वेटर भी विदेशी रखे गए ने। लवप्रीत ने छत ते हेलीकॉप्टर खड़ा करन दी मन विच धारत लई, पर ए एक वड्डी चुनौती भी सी, जिस लई उसने कई माहरां दी सलाह लई अते फिर एक मजबूत बेस बनाया के क्रेन दी मदद नाल हेलीकॉप्टर नू घर दी छत ते रख के फिक्स कीता। इहदे ते पिछले 7-8 मंथ तो काम चल रहा, और दिन रात इहदे ते काम चल रहा कंटिन्यू, दिने भी और रात नू भी। रात नू अलग मिस्त्री आउंदे सी, दिने अलग मिस्त्री आउंदे सी, जो इहदा बेस बनाया। कुछ इंजीनियर कई आए अपने कोले इहदा बेस बनाउण, उसी देख रहे अपने कोले विदेशी अपने वर्कर है, सो वह एक एयर होस्टेज वाला एक ये फील देणगे, और अंदर बैठांगे जदों आपां, और विंडो तो आपां बाहर झाकांगे, नीचे तो नीचे आपां नू कारां जां जो भी नीचे आपां नू चलदा फिरदा दिखूगा, और आपां नू ये फील आऊगा कि आपां ओरिजिनल हैलीकॉप्टर च बैठ के उड़ रहे हैं, तो उड़दे उड़दे फूड खा रहे हैं। सो बहुत इहदे ते लगी आ मेहनत, और लोकां नू पसंद आऊगी कुछ इदां दा बनाया। लखां रुपए खर्च के विदेशा वल उड़ारी मार रहे पंजाबी नौजवानां नू लवप्रीत इक सुनेहा देण दी भी कोशिश करदा है। उसदा कहना है कि लखां रुपए ला के बाहर जाण नालों चंगा है कि पंजाबी नौजवान उस पैसे नू पंजाब विच ही इन्वेस्ट करन ते इत्थे ही रह के चंगे पैसे कमाए जा सकदे ने। अपने लोक अपना पंजाब छड्ड के बाहर जाई जांदे आ, ठीक है जी, ठीक है, तरक्की करनी कोई माड़ी गल नहीं है, तरक्की करो जी सदके करो, पर अपने देश दे विच रह के भी कीती जा सकती आ। अंग्रेजां दी एक ट्रिक लगी हुई है, इह जिथों तक मैं सोचदा कि पहला एक अपने जो काबिल स्टूडेंट आ, देखो हरेक तो बाहर जाए नहीं आता, जो काबिल आ कुछ पढ़ता या कुछ उही जाऊगा, पहला काबिल स्टूडेंट नूं बुलाउंदे आ, उदों बाद उहनूं स्किल दे के उहनूं कम कर ला लैंदे आ, फिर उहदी फैमिली नूं वी बुला लैंदे आ, तां कि इधरों पैसा भेजन जोगा ना रहे, वो उधरली करंसी कमावे तो उधर ही वरते। तुसीं देखो जदों सारियां फैमिली उहनां दी सारे परिवार चला जांदा ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਪੈਸਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਸੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬਠਿੰਡਾ।